हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस बीएसएफ के प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे अबाउट द सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ द वजाइनल डिस्चार्ज। तो सिंड्रोमिक वजाइनल डिस्चार्ज क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है और इसके पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा और दूसरा रहेगा इसका क्लिनिकल फीचर, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो टिल देन पूरा वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, इट विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ द वजाइनल डिस्चार्ज, सो वजाइनल डिस्चार्ज इज अ रिजल्ट ऑफ द वजाइनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। जब कभी भी वहाँ प्राइवेट पार्ट इन द वुमन वजाइना में या फिर सर्विक्स में बिकॉज ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, ओके, बिकॉज ऑफ द यूसेज फोमाइट हुआ, ओके, बिकॉज ऑफ दैट थिंग एंड बिकॉज ऑफ द अनक्लीनलीनेस, बॉडी का अनक्लीनलीनेस अगर जब भी रखते हैं तो, और इवन ओर फीकल रूट से, ओके, बिकॉज द वजाइना एंड देयर इज यूरेथ्रा ऑफ द वजाइना और द वजाइनल कैनाल एंड द यूरेथ्रा इन द वुमेन्स जो है आर द एनल कैनल, एनल ओपनिंग जो है एक ही लाइन पे आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे इजीली स्प्रेड इन्फेक्शन जो है इजीली स्प्रेड होता है वजाइना और यूरेथ्रा में, वुमेन्स की यूरेथ्रा में, ओके। सो देयर आर थ्री ओपनिंग, वन इज यूरेथ्रा, वन इज वजाइना एंड वन इज एनस। तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द फीकल कंटामिनेशन की वजह से भी इन्फेक्शन जो है इजीली स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जैसे कि ट्राइकोमोनास हुआ, ट्राइकोमोनास वजाइनाइटिस कॉज करता है, सर्विसाइटिस कॉज कर सकता है, ओके। और दूसरा रहेगा कैंडिडा, कैंडिडा एक फंगस रहेगा, कैंडिडा एल्बिकम सीड भी जो है सर्विसाइटिस हुआ वजाइनाइटिस हुआ कॉज करता है। और रहता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म की वजह से क्या होता है वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो बिकॉज माइकोप्लाज्म में बैक्टीरिया है, तो मिक्स्ड इन्फेक्शन जो है तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहता है, ओके। अभी क्लिनिकल फीचर आएंगे, जैसे कि फाउल ओडर डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड, ओके, फ्लूइड वजाइना से एक फाउल ओडर व्हाइटिश कलर हुआ या फिर ट्रांसपेरेंट कलर हुआ या फिर येलो कलर हुआ, ओके, एक टाइप का डिस्चार्ज जो है निकलना शुरू हो जाता है। और इंटेंस इचिंग रहता है प्राइवेट पार्ट्स पे, इंटेंस इचिंग और बर्निंग इंचुरेशन जब भी टॉयलेट पीक हो जाते हैं तो वहाँ पे उनको इंटेंस पेन होता है यूरेथ्रा के अंदर, ओके, प्राइवेट पार्ट के अंदर बिकॉज ऑफ द वजाइनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। स्वेलिंग ऑफ अल्सरेशन वन ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स, ओके, और प्राइवेट पार्ट जो है स्वेल हो जाता है नॉर्मली टाइप ऑफ एनिमल वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरी बात जो है वहाँ पे इंटेंस पेन के साथ साथ अल्सर यानी कि एरोजन ऑफ द टिश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ओके, ब्लीडिंग भी हो सकता है कई बार, ओके। दिस आर ऑल द क्लिनिकल फीचर ड्यूरिंग एन सिंड्रोम वजाइनल डिस्चार्ज। सो लैब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो वजाइना डिस्चार्ज हो रहा है भाई वहाँ पे, तो वजाइना का जो डिस्चार्ज मटेरियल जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको स्मियरिंग किया जाता है, बाद में उसको ग्राम स्टेन, ZN स्टेन हुआ, ओके, KOH माउंट हुआ, तो इस प्रोसीजर से उनको उसको माउंटिंग कर स्मियरिंग करके बाद में उसको स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो जिसकी वजह से पता चलता है कि भाई कौन सा इन्फेक्शन है क्या है। तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो ट्रीटमेंट जो है जब कभी भी वजाइनल डिस्चार्ज वहां पे होता है, अ क्लिनिशियन शिफ्टिंग इट इज अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इन्फेक्शन, ओके, बैक्टीरिया फंगस दोनों और प्रोटोजोआ तीनों साथ मिलकर यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ सर्विसाइटिस एंड वजाइनाइटिस हो रहा है वहां पे और वजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो यहाँ पे दिमाग में रख लेना चाहिए कि हमें अपने को जो है मल्टी ड्रग देना है जो कि फंगस को भी किल कर सके, बैक्टीरिया को भी किल कर सके और प्रोटोजोआ को भी किल कर सके। तो वैसे वाले ड्रग्स कौन से रहेंगे, सेक्निडाज़ोल और टिनिडाज़ोल जो है 500 mg once in a day for 5 days देना चाहिए, ओके, दिस ये हुआ। और दूसरा हुआ सेफिक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन, ये भी 500 mg जो है once in a day for 5 days देना चाहिए, ओके, सेफिक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन। दूसरा तरह रहेगा एमसेट और ओमेपेराजोल फिर रैंटिडिन का कॉम्बिनेशन, एमसेट यानी कि ओडेंस्टेरोन, ओडेंस्टेरोन से अलावा डोमपेरिडोन भी दे सकते हैं और मार्केट में ओमेज और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है या फिर मेटोक्लोप्रामाइड और फिर रैंटिडिन का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन अवेलेबल रहता है। तो एक एंटी एमेटिक देना चाहिए और एक एंटी एसिड और क्या बोलेंगे एंटी एसिडिटी ड्रग्स भी हम देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक जब भी हम देते हैं तो एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए रैंटिडिन या फिर सिमेटिडिन या फिर पैंटाजोल ऐसे ड्रग्स जो है हमें एडमिनिस्टर करना चाहिए अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक्स। तो क्रीम आएगा, तो अगर वजाइनाइटिस सर्विसाइटिस और लोकल एरिया पे प्राइवेट पार्ट पे रैशेस दिख रहे हैं वहाँ पे इंटेंस इन्फ्लेमेशन है, तो प्रोट्रिजोमोल का क्रीम, प्रोट्रिमेजोल, न्यूमाइसिन और बेक्लामेथासोन का कॉम्बिनेशन का क्रीम भी आता है, तो उसको भी हम अप्लाई करने के लिए उनको देंगे, तो प्रिस्क्राइब करने के लिए देंगे। तो इट वॉज ऑल अबाउट द सिंड्रोमिक मैनेजमेंट, ओके, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ द वजाइनाइटिस। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज शेयर कीजिएगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस को जो है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। व्हाट इज अ वजाइनल डिस्चार्ज पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स फॉर द वजाइनल डिस्चार्ज एंड व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर मेडिसिंस दैट आर यूज्ड फॉर रेजिमेन ट्रीटमेंट एज अ रेजिमेन ट्रीटमेंट फॉर द वजाइनल डिस्चार्ज। तो ये सब का आंसर जो है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो टिल देन अभी नेक्स्ट वीडियो आने तक टिल देन टेक केयर, बाय।